हिमांशु टंडन जी बहुत बड़ा नौजवानों का जथा लैके पहुंच चुके ने। सो शाह अपना बहुत बड़ा जथा लैके इस प्रोग्राम के शमूलियत की है। मैं प्रबंधकों को बेनती करता कि राणा विशवपाल जी को स्टेज से लैके आने की कृपालता की जाए। बाकी सारे सज्जनों को बेनती है कि स्टेज पर चढ़न की होर कोई कृपालता ना करे, क्योंकि स्टेज ते पहले ही बहुत बंदे हैं। स्टेज पर विशवपाल जी तो अलावा सारे वर्कर बेनती है कि थले रहो, बाकी देख के सारे का थानू सलाम। सब दिख रहे हैं, स्टेज ते ना चढ़ो जी, स्टेज ते ना चढ़ो। मैं बेनती करता पहला राणा जी का टोला किया जाएगा ते हाजरी लवानी मेरी जिम्मेवारी है। साफ साफ लिखने मेरी हाथ जोड़ के बेनती है। कई बार बंदे काली काली च ना नहीं ठीक लिखते, फिर कई बार गलत ना लै हो जाता, फिर इतराज हो जाता भी मेरा नाम सही नहीं लिया गया। सो राणा जी नूं टोला किया जा रहा। मैं बेनती करता सज्जना स्टेज के ऊपर जगह बहुत घट है, स्टेज बहुत पता ही नहीं है, स्टेज बड़ा नाम है। सो राणा जी साडे दरबार पहुंच चुके ने। स्टेज से ना चढ़िया जाए कि स्टेज से बिल्कुल बहुत घट बंदे चढ़न। साडे दरमियान सुच्चा सिंह जी सारा जिन्हों की रेख रेख के हेठ प्रोग्राम हो गया। सुच्चा सिंह जी सारा तो स्टेज की कार्रवाई में शुरू करिए। सारा जिन्हों की रेख रेख के हेठ प्रोग्राम हो रहा, सुच्चा सिंह जी सारा तो उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। सो राम जी सारे का वरिंदर कबूल है। सो जूथ के बीच में देख रहे बहुत बड़ा उत्साह है। हेलो, हुण तां स्टेज दब रही भाई, सारे नूं बेनती है कुछ सज्जन हेलो हुण तां स्टेज दब रही भाई, सारे नूं बेनती है कुछ सज्जन थले चल जाओ, स्टेज दबदी पई थले। इस स्टेज ते सुशोभित साडे अज दे मुख मेहमान राणा कंवरपाल सिंह जी, उन्हां दे नाल साडे बहुत ही सत्कारयोग ठाकर राम लाल जी, उन्हां दे नाल बहुत ही सत्कारयोग लखविंदर राणा जी, साडे एसएस बोर्ड दे चेयरमैन श्री शेखर शुक्ला जी,
डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रोपड़ दे प्रधान धीरज कौशल जी, समूह प्रेस दे वीर, ते बहुत ही सत्कार योग असी ऋणी हाँ चंगर दे भरावां ते भैणां दे जिन्हां ने एडा वड्डा अज इकट्ठ कीता। साडा सिर नमन करदा मैं वीरो, केवल एक या दो मिनट लवांगा, मैं दसांगा ओदी करतूत। जेड़ा हरजोत बैंस साने आर दे विच 25,000 वोट पाई उहनूं, उस तो बाद हरजोत बैंस ने साने आर दे लोकां नूं अपना मूंह नहीं दिखाया। अज ओह तुहाडे लोकां दे कोल आके तुहाडे कोल अपना नमाणा बन के वोटां मंगण लग गया। ओनू पुछो, हरजोत बैंस नू पुछो, जे तू सचमुच समाज सेवक है, तू कहिंदा कि लोकां दा सेवादार है, जे तैनू साने आल दे लोकां ने हराया भी सी पर 25,000 वोटां पईआं, तू साने आल दे विच इक कदम नहीं रखिआ, उत्थे जाके तू जवाब दे लोकां नू। हरजोत बैंस अपने आप नू वकील दसदा, पर मेरे भरावो, हरजोत बैंस ने एक एनआरआई परिवार नाल लखां रुपए की ठगी मारी लुधियाने दे विच, उहदा बार कौंसल ऑफ इंडिया ने लाइसेंस कैंसल किया, उस तो बाद अपने आप नू इमानदार दसदा। आ दस रहा मैं लोकल है, इहनू पुछो, जे तू अपने आप नू लोकल दसदा, कदे नंगल दे लोकां दे श्री आनंदपुर साहब विधानसभा दे लोकां दे चंगल हल्के दे लोकां दे कदे तू सुख दुख चाया हो माता, तू असी तेरे गुनाहगार दे तेरे ते इल्जाम लाने। ए सरजोत बैंस ने 2017 च संजय सिंह दरगेश पाठक ते केजरीवाल नाल मिलके टिकटां दी दलाली कीती, इहने तां गड्डियां पाईआं। इहनू पुछियो इहनू हरजोत बैंस नू, तेरा केड़ा इनकम है, तेरा केड़ा कम है, तेरा केड़ा साधन है जिहदे नाल तू 40-40 लख दीआं गड्डियां लई फिरदा, चंडीगढ़ च कोठियां बनाई फिरदा, इहनू लोकां नू आके दसो। अपने आप नू अज रमाणा दस रिहा। मैं इक गल आखरी कहना मेरे वीरो, गल्लां च ना जिओ हा जिहड़े टोपी वाले भरा आम आदमी दे फिरदे ते जिहड़े चिट्टे वेले ते झाड़ू लाई फिरदे परमिया पाई फिरदे, इहनां दीआं गल्लां च ना जिओ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਣਾ ਕਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਣਾ ਕਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹਨੇ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਰੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੀ ਫਿਰਦਾ, ਆਪੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਫਿਰਦਾ, ਜੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਰਗੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ, ਇਹ ਮਿਸਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਨਾ ਜਿਓ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਤੇ ਲੱਥ ਲੂਗਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਚ ਨਾ ਜੋ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਰਾਣਾ ਕਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ। ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੇਂਜ ਆ, ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਟੇ ਦੁਰ ਫਿਟੇ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੇਰਾ ਦੁਰ ਫਿਟੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚ ਵਕੀਲ ਕੋਰਟ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪਾ ਕੇ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਤੇ ਨੱਚ ਦਾ ਕੇਸ ਵਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਨਵਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚੰਗਰ ਵਾਲੇ ਭਰਾਓ, ਚੰਗਰ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਿਓ 22-23
ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜਮਾਤ ਜਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਹਾਦਰ ਬਾਪ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਓ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੰਦ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਲੀਡਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਤੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੰਪਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹਰ ਬਸ਼ਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਰ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹਰ ਵੋਟਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਸਤੋ, ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਹੈ ਰਾਣਾ ਕਮਰਪਾਲ ਜੀ। ਆਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਸ ਚ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਬੱਸਾਂ ਚ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਚ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕਿਆ। ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਈ ਪੰਗੇ ਨਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਦਿਖਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਡਰਾਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਤੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਡਰਾਓ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪੰਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਮ ਜੰਮ ਪਾ, ਦਿਨ ਚ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਪਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੌਜ, ਕੇਪੀ ਰਾਣੇ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਤੂੰ ਡਰ ਜੂੰਗੀ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਏ, ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਭਾਈ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੇ ਵੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦਿੱਤੀ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਢ ਲਈ, ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਚੰਗਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਪੱਟੀ ਆਊਗੀ ਕਿ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਚੰਗਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪੱਟੀ ਆਊਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਓਏ ਸੁਣੋ ਬਈ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਚੱਲੂਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਟਿਕਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਚੰਗਰ ਚ ਚੰਗਰ ਤਾਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾ ਬਈ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਗੀ। ਤੂੰ ਚੰਗਰ ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੈ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਦ ਲਈ, ਟਿਕਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ 2 ਨਾਰੇ ਲਵਾਉਂਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਬਈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਲਾਸਟ 1 ਮਿੰਟ ਹੈ, 2 ਨਾਰੇ ਲਵਾਉਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਰਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪੜੇ ਹੋ ਚੱਕਰ ਮੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੱਕਰ ਮੇ। ਦੂਜਾ ਨਾਰਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਹੀਂ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਲਲਾ ਲਲਾ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੋ ਵੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਹੀਂ ਸੌਖਾ।
मौका नहीं है धोखा है, मौका नहीं है धोखा है। भाई हुण पिछले वाले हो हाथ कर लो खड़े, एक ही गल के क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। हाथ खड़े करके क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। इंडियन नेशनल कांग्रेस, राणा के पी सिंह, बिशपल राणा, महिला कांग्रेस, नारी शक्ति, यूथ कांग्रेस। लास्ट दो लाइना थोड़े लीडर वास्ते, और एक बारी ऐत की जता दो, इसके बाद पूरे पंजाब के लोगों ने एक ही तमन्ना है। क्या तमन्ना है? नहीं 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 सुनो, क्या तमन्ना है? मेरी तमन्ना क्या है? ये मेरे भारत का अभिमान बने, स्वाभिमान बने, अभिमान बने, तिरंगा जिसकी करे उड़ीक, लाल किले का मेहमान बने, लाल किले का मेहमान बने। मौका नहीं है धोखा है, भाई हुण पिछले वाले हो हाथ कर लो खड़े, एक ही गल के क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। हाथ खड़े करके क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। में इंडियन नेशनल कांग्रेस, राणा के पी सिंह, बिशपाल राणा, महिला कांग्रेस, नारी शक्ति, यूथ कांग्रेस। लास्ट दो लाइना थोड़े लीडर वास्ते, वो एक बारी ऐत की जता दो, इसके बाद पूरे पंजाब के लोगों ने एक ही तमन्ना है। क्या तमन्ना है? नहीं 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 सुनो, क्या तमन्ना है? मेरी तमन्ना क्या है? ये मेरे भारत का अभिमान बने, स्वाभिमान बने, अभिमान बने, तिरंगा जिसकी करे उड़ीक, लाल किले का मेहमान बने, लाल किले का मेहमान बने। अश्लीलता जा रहा सो, क्योंकि गुरुआ पीरा की धरती है। बोलो सो निहाल, राणा जी को सम्मान किया जा रहा, ठाकुर राम लाल जी का, पप्पू राणा जी का, सारे का इतने आते। मैं नौजवान वीर बेनती करता कि तुसी राणा जी के दिल में बसे हो, किसी का नाम रह गया हो खेवा दे जा चका बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। लो जी राणा जी ने जिहड़ी तेज है उहदी म्यान चो बाहर कढ दित्ती है। सो सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद एसडी टीवी प्राइम दे। एक मिनट भी नौजवान एसडी टीवी प्राइम दे चम्मी डावरा जी का पर्स डिगया, विच पैसे है 7,000 रुपया, वह उन्हां तक पुजदा कर दो जो किसी नूं लभदा। जे पैसे रखने भी है किसी ने रख लो, उन्हों का कार्ड है विच, वो जरूर दे दियो। सत कार्ड है कहते, सत कार्ड उहदे विच है जी। सो चार बार हिमाचल च मंत्री रहे ठाकुर राम लाल जी, मेरे गुआंढी हलका नालागढ़ तो एमएलए, मेरे छोटे भरा लखविंदर राणा जी स्टेज के विराजमान, मेरे सारे लीडर साहबान, मैं सारिया का बहुत बहुत धन्यवादी है कि अज हजारां हजारां की तादाद इकट्ठे हो के तुसी साबित कर दिता कि आनंदपुर विधानसभा के लोग, चंगर के लोग आने वाले इलेक्शन च की करना चाहते हैं। मैनू पता है अज ब्याहां दा साहा है,
बड़ी दुनिया ब्याह च लगी है, लेकिन फिर भी आज सारा चंगर कठा होके समला पिंड पुजिया, साड़ी गल सुन वास्ते मैं थोड़ा शुक्रगुजार। प्रजातंत्र के अंदर लोकी वोट पा के अपना नुमाइंदा तय कर दे, नुमाइंदे का काम हुंदा जे लोकां दे पैर च कंडा चुभे तां तकलीफ एमएलए नूं होवे। एमएलए का काम हुंदा उहदा दिल लोकां दे दिल दे नाल धड़कदा होवे। एमएलए का काम है एमएलए की नब्ज लोगों की नब्ज नाल चलनी होवे। तुसी सारे वाकफकार, मैं जब इस हल्के च आया था इस हल्के के अंदर एक पास है चंगर का एरिया है जिथे पीण नू पानी है नहीं, दूजे पास दरिया सतलुज है जिथे हड़ आ गया, तीजा इस हल्के के अंदर नदियां नाले है, आन जान का रास्ता है नहीं, सड़क की किल्लत थी। नंगल वर्गे शहर के अंदर सारे स्कूलों के अंदर डबल शिफ्ट चलती थी। मैं पूछा क्या कारण है, कहने बिल्डिंग घट है। पहला स्कूल सवेरे 7 बजे लगता है, 12 बजे छुट्टी होती है, फिर स्कूल 2 बजे लगता ही रात के 7 बजे छुट्टी होती है। मावा 7 बजे बच्चों खड़ खड़ के वीख दिया। मेलिया के लोग सुके पैरी अपने घर नहीं सी जा सकते, ऐसा है साडा हलका। मैं एक एक करके इस हल्के के मसले हल करना कसम खाई, कसम खाधी है। मेरा जीवन खुली किताब, मैं राजनीति नूं शुगल के तौर पर नहीं लिया, मैं राजनीति नूं मजाक के तौर पर नहीं लिया, मैं राजनीति नूं सन्यास के तौर पर लिया। ये सन्यास है, मैं सन्यास लिया। लोगों की सेवा वास्ते अपना जीवन लाया, लोगों का एक एक काम करने वास्ते अपना हर पल हर घड़ी लाया। चाहे पंगल होए, चाहे मैदपुर होए, चाहे रणजीतपुरा होवे, चाहे बरमला होवे, चाहे कलसेड़ा होवे, चाहे एलगरा होवे, मैं चारे पासे हल्के दे हर पिंड हर गली हर नुक्कड़ दे विच काम कीता, लोकां दी सेवा, लोकां दी सेवा। अज इस हल्के दी नुहार बनी है। पिछले 5 साल 17-18 पुल बनाए हल्के च, क्या ये झूठ है कि 40 साल की मंग खरोटे की अंडरपास की ऐतकी मैं पूरी की, उते मैं बनाया।
क्या ये झूठ है? 6 किलोमीटर घूम के जाते थे भरतगढ़ के नाल पवाल पिंड नूं खुद दी लोड़ थी जाके देख लो कम चल रहा। क्या ये झूठ है? कीरतपुर बाजार नूं जाना होवे थाने चौंकी वल ते घूम के आना पैंदा। मैं बस अड्डे तो गुरुद्वारा चरण कमल नूं 9 करोड़ का पुल मंजूर कराया जाके देख लो कम चल रहा। क्या ये झूठ है? राय पर सानी नूं 2 पुल चाहिए थे दोआ पर जाके देख लो कम चल रहा। क्या ये झूठ है? बलौली नूं पुल चाहिए था जाके देखो कम चल रहा। प्रेम जी आए हुए हैं। क्या ये झूठ है? दौलोवाल नूं नक्कियां नाल जोड़ के 18 किलोमीटर का सफर कटाया ये झूठ है? क्या ये झूठ है? गग नूं पुल बनाया जाके देख लो चलदा। क्या झूठ है? आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हरजोत सिंह बैंस जी दे पिंड जेड़ा थोड़ा गंभीरपुर है उत्थे भी पुल पाया जाके देखो चलदा। क्या झूठ है? क्या झूठ है कि उपरले सूर्याल नूं पुल पाया था पुरानी गल है जाके देखो चलदा। क्या झूठ है? जांदले पिंड नूं 14 करोड़ का पुल मंजूर कराया जाके देखो कम चलदा। क्या ये झूठ है? स्वामी पर बाग नूं पुल पाया जाके देखो कम चलदा। बरारी पिंड नूं पुल पाया कम चलदा। नंगल दे विच 260 करोड़ का फ्लाईओवर बनाया उसका 98% काम हो गया। क्या ये दिखता नहीं कि क्या? आनंदपुर साहब दे विच सीवरेज मंजूर कराया कम चलता दिखता नहीं किसी ने? क्या 40-50 साल तो चंगर दे लोग पानी दी बूंद बूंद नूं तरसदे थे? 70 साल च किसी ने नहीं सुनी मैं 80 करोड़ का पानी का प्रोजेक्ट चंगर वास्ते मंजूर जे कमा की गिनती करावा तो कमा की गिनती नहीं हो सकती। लेकिन मैं थोनू एक गल कहना थोनू कुल 12-14 दिन थोड़े नाल गल कर इना 12-14 साल ने 12-14 दिन ने 20 तरीक वोट पैनी है इना 15 दिन ने आने वाले समय वास्ते आनंदपुर साहब हल्के की तकदीर लिखनी है। तकदीर लिखनी पंद्रह दिन ला दियो कसम खा के ला दियो कसम खा लाओ फसली बटेरिया तो इलाके नूं बचाओ। जित थोड़ी है दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। सवाल इस गल का है 1,000 करोड़ रुपया खर्च करके जित होंगी किनिया वोटा पे है रौला इस गल का अपना जीवन दी 15 दिन ला दो ये 15 दिन ला दो पंजाब च कांग्रेस की सरकार बन जा रही है। चरणजीत चन्नी दोबारा मुख्यमंत्री बन जा रहे और मैं कहना थोनू के चरणजीत चन्नी तो बाद आने वाली सरकार के अंदर सब तो बड़ी हिस्सेदारी आनंदपुर साहब के लोगों की होगी। कोई नहीं रोक सकता होगी। मैं दसो कई बार कुछ लोग कह दें कि सरकार जी की मर्जी बन जाए असी कह लेना है नहीं कह दें। कई बार कहते कोई जित जाए असी कह लेना
मैं थानू कहना कहने साडू क्या फर्क है भाई। जे 70 साल चंगड़ की स्कीम नहीं मंजूर हुई थानू फर्क नहीं पाया। जे मैं थोड़ा MLA बन के वो मंजूर कराती तो थानू फर्क नहीं पाया। जे थोड़िया सड़क बनाइया थानू फर्क नहीं पाया। जे थोड़े पिछले लटके हुए काम ठीक किते थानू फर्क नहीं पाया। जे कानून व्यवस्था ठीक ना होवे भूल गए 18 साल की लड़की नू फरीदकोट च दिन दिहाड़े घरते चक के लै गए थे अकालियां दे राज 3 महीने बाद दित्ती जी फर्क नहीं पैंदा भूल गए। अमृतसर शहर च थानेदार अपनी बच्ची नू लै के बाहर जा रहा था बदमाशा ने लड़की नाल छेड़छाड़ की प्यो ने उन्होंने रोकया थानेदार प्यो नू गोजे नाल भुन दिता फर्क नहीं पिया। फर्क पैंदा भी चंगी या माड़ी सरकार का फर्क नहीं होंदा चंगे या माड़े MLA का फर्क नहीं होंदा जी। कोरोना आया था कांग्रेस सरकार ने कोरोना टक्कर ले हजारा जाना बचाई वो लोग जिन्हों का दिल्ली च इलाज नहीं होया लख रुपये की टैक्सी लेके जेडे पंजाब च आए पंजाब सरकार ने वो सारे संभाले तो फर्क नहीं पाया। जे वो सारे मर जाते बीमारी दे नाल वो साडे विचों ते साडे ते तां फर्क नहीं पैंदा पैंदा। जे आ चंगल च रस्ते ना बनदे जेडे मैं पिछले समय च बनाए है अज हर घर नू गली लाई है कह के गया ठेकेदार नंद लाल तां फर्क नहीं पैंदा फर्क पैंदा चंगी माड़ी सरकार दा फर्क पैंदा चंगे माड़े MLA दा फर्क पैंदा। ये सारिया चीजा ते विचार करन दी लोड़ है जाग जाओ उठ खड़ो उठो आ 15 दिन ला जिन्हें 15 दिन च पासा पलटा के रख दियो मैनू रौला लीड़दा है मैनू जितण दा कोई भुलेखा नहीं मैनू केवल ते केवल लीड दा फर्क है बाकी एवें ना डर दिया करो। मैं फलाना आदमी पार्टी छड़ के चला गया वो जिहदी दुकान च सौदा होगा उहदे चों जाऊगा जिहदे कोले कक्ख नहीं उहदे कोल जाणा गया आम आदमी पार्टी च उहनूं क्या चले जाणा गया है ही कक्ख नहीं झुंगे च कुछ नहीं जाणा गया कोई फर्क नहीं पैंदा। आ भी ना दस्या करो मैनू फलाने पिंड च असीं कमजोर हैं 234 बूथ है असीं सारे थोड़े जित रहे विच हरदे भी हुंदे कोई गल नहीं लेकिन तुसी अपनी लड़ाई लड़ो तुसी अपनी लड़ाई लड़ो। हां यह गल ठीक है बब्बर शेर तो उही है जेड़े जित के आणगे मेरे को बब्बर शेर उही है बाकी मैं एक बेनती अपने नौजवानों नूं करनी है विरोधी पार्टी पिछले कुछ दिनों तो प्रकाहट पैदा कर रही है मेरा 5वां इलेक्शन है जिंदगी का असी कदे प्रकाहट पैदा नहीं की कई जगह साढ़े पोस्टर भी उतारे गए साढ़े पोस्टर लाए गए पाड़े गए लेकिन तुसी किसे दा पोस्टर नहीं पाड़ना तुसी बदले च भी नहीं पाड़ना तुसी बदले च भी नहीं पाड़ना पोस्टर झंडे लोकां दे दिलां च हुंदे आ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਹਟ ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪੋਸਟਰ ਪਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਝੰਡੇ ਪਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਹੇ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਹੇ ਜੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਸੇ ਭਲੇ ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਚ ਖਾਓ ਕਸਮ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਓ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਆ 15 ਦਿਨ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਸਮ ਖਾਓ ਹੋ ਗਈ ਆ 15 ਦਿਨ ਮੰਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਰਾਮ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਓ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ